युवाओं को रोजगार और पंजाब के फगवाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई। युवाओं को रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करने के लिए यहां 2000 कैंडिडेट्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। पंजाब में जब से भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं तभी से सरकार का पहला फोकस युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर है। सरकार जानती है कि पंजाब के ज्यादातर युवा ऐसे हैं जिनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं, जरूरत बस उन्हें सही ट्रेनिंग देने की है। सही दिशा और मार्गदर्शन से ये युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि युवाओं को रोजगार के काबिल बनाकर उन्हें इस तरह से तैयार किया जाए कि वो खुद भी दूसरों को रोजगार दे सकें। इसी मुहिम के तहत पंजाब के फगवाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। पंजाब के रोजगार सृजन और कौशल विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने यह उद्घाटन किया। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अत्याधुनिक है। इसमें 2000 नौजवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वो रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन सकें। मैनूं बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जिस दिन की भगवंत मान जी की पंजाब दी सरकार बनी है उस दिन तो ही बच्चों दीआं नौकरियां दा ते उहनां नूं नौकरी योग बनाउण दा काम है जिहड़ा फगवाड़ा के इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 2000 कैंडिडेट्स को ऑटोमोटिव मशीन ऑपरेटर और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद नौजवानों को रोजगार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि वो दूसरे युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में सक्षम होंगे। साढ़े डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ते स्किल डेवलपमेंट ने एसोचैम ने सहयोग दे नाल एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिहड़ा वह फगवाड़ा दे इस रूरल बेल्ट दे विच खोलिया है जिथे 2 सालों दे विच 2000 बच्चों नूं स्किल दिता जाएगा, हुनर दिता जाएगा। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए पंजाब सरकार पंजाब में उद्योगों की स्थापना करने और युवाओं के कौशल को निखारने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। इसके जरिए नौजवानों के विदेश में प्रवास के रुझान को भी रोका जा सकता है। कई कोर्सेज ने जिन्हां दी अज पंजाब दी देश दी इंडस्ट्री नूं जरूरत है, पर पिछले लंबे समय दे विच पंजाब दी त्रासदी की रही कि पिछलियां सरकारां ने जो इंडस्ट्री नूं रिक्वायरमेंट सी जिस स्किल दी जिस हुनर दी उहदे विच और जिस तरीके दे स्टूडेंट्स पैदा हो रहे सीगे स्कूलां कॉलेजां दे विचों उहदे विच बहुत वड्डा गैप सीगा ते उसे गैप नूं पूरा करन दे लई ताकि बच्चा जदों पढ़ाई करके ट्रेनिंग करके निकले नाल दी नाल उहदे लई जॉब तैयार होवे, नौकरी तैयार होवे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को फिलहाल 2 साल के लिए यानी 2023 से 2025 तक के लिए शुरू किया गया है। इन 2 साल में 2000 युवाओं को 4-4 महीने के स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराए जाएंगे। इन कोर्सेज के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स के बैच के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करके उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके बाद गेस्ट लेक्चर्स होंगे और इंडस्ट्री विजिट्स कराई जाएंगी। इसी दौरान जॉब इंटरव्यू करा के इन ट्रेंड युवाओं की प्लेसमेंट भी कराई जाएगी। ट्रेनिंग कोर्स के दौरान कैंडिडेट्स के लिए काउंसलिंग सेशन, इंडक्शन, कैटेगरी अलोकेशन, गेस्ट लेक्चर, इंडस्ट्री विजिट्स, प्राइमरी प्लेसमेंट टॉक्स, करियर गाइडेंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशन, मॉनिटरिंग और मोटिवेशनल सेशन, इंटर बैच मुकाबले, इंटर बैच खेल मुकाबले, टेक्निक सेलिब्रिटी विजिट और इनोवेटिव आइडिया मुकाबले करवाए जाएंगे। रोजगार सृजन मंत्री अमन अरोड़ा के मुताबिक इस सेंटर की वजह से उद्योगों को जरूरत के अनुसार स्थानीय स्तर पर शिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होंगे और नौजवानों को भी घरों के नजदीक ही बढ़िया तनख्वाह पर अच्छा रोजगार मिलेगा। मैं समझता कि इतों दे पूरे इस रूरल बेल्ट दे पूरे इलाके में बहुत बड़ा फायदा जिहड़ा इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दे नाल होगा।
पंजाब सरकार का मानना है कि 2000 युवाओं को ध्यान में रखकर शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट पूरे दुआबा क्षेत्र, खासतौर पर जालंधर और फगवाड़ा के उद्योगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।